शालिनी भारद्वाज और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर मेडिकली स्पीकिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या और ये कैसे फैलता है। इस वक्त हमारे साथ देश के दिग्गज डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर आलोक ठक्कर, जो कि HOD है ENT डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, यानी कि एम्स से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुमित मिर्ग है जो कि ENT है HOD के मैक्स अस्पताल से। साथ ही डॉक्टर समीर सूद है जो कि डायरेक्टर है शार्प साइट आई हॉस्पिटल से। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए मेडिकली स्पीकिंग पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, पहला सवाल मेरा डॉक्टर आलोक ठक्कर से है। सर, आखिरकार ब्लैक फंगस होता क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत पैनिक माहौल बना हुआ है, लोगों को लगने लगा है जिनको भी कोरोना हुआ है कि कहीं उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए। ये एक फंगस का इन्फेक्शन है। फंगस जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादातर फंगस का इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मली बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो नहीं होता आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो तो ही होता है, इसलिए ये बहुत रेयर इन्फेक्शन माना जाता है। पर हाँ, ये इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ब्लैक फंगस में भी गलत वो है, मिसनोमर है, पर थोड़ा सा पॉपुलर पार्लेंस में पकड़ गया है ये नाम। म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, म्यूकर माइकोसिस है। सो म्यूकर माइकोसिस से अगर इन्फेक्शन हो जाता है आपके साइनसिस में और साइनसिस से आय में और आय से कई बार आगे भी फैल जाता है, तो वो है जिसको हम राइनो सेरेब्रल या राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। बिल्कुल सर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमित मिर्ग भी हैं। डॉक्टर सुमित मिर्ग, आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको कोरोना वायरस होता है, जिनको इस तरह की फंगस, इस तरह का जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो परेशान कर सकता है? ये सभी में होता है या फिर वो होते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर जिनको डायबिटीज होती है? देखिए, जो म्यूकर माइकोसिस है, जो एक फंगस है, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने बताया, ये एक कमेंसल होता है जो हमारे नोज में रहता है। ऐसा नहीं है कि खाली कोविड में हमें ये देखने को मिलता है। वैसे भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे जो मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कीमोथेरेपी पे होते हैं, स्पेशली जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड लेते हैं, उनमें भी कई बार म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलता है। म्यूकर माइकोसिस सिर्फ साइनसिस को अफेक्ट नहीं करता, ये लंग को भी अफेक्ट करता है, स्किन में भी अफेक्ट करता है, GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को भी करता है। पर आज जो ये मुद्दा उठा है ब्लैक फंगस का, ये कोविड पेशेंट में क्यों ये मुद्दा उठा है और ये इस वेव में क्यों उठा है? पिछले साल हमने ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं देखे, इस बार इस वेव में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज किया गया है। और खाली स्टेरॉइड ही मैं नहीं बोलूंगा, जिन लोगों में बहुत हाई डोज स्टेरॉइड फर्स्ट डे से, जैसे डेक्सामेथासोन की बहुत हाई डोज, मैं पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शंस देख रहा हूं जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें विदाउट कंसल्टेशन विद द डॉक्टर लोग बहुत हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोन ले रहे हैं या प्लेन ये प्रेडनिसोन ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स जो पहले शायद डायबिटिक नहीं थे, इस कोविड की बीमारी से बचने के लिए या जान बचाने के लिए लोग ये अपने आप स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं। ये लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए। डायबिटीज, शुगर की हाई लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इस फंगस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हाई डायबिटीज अगर 300 से 400 लेवल तक ये शुगर लेवल चला जाता है, जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, उसमें ये जो कमेंसल हमारे नोज में रहता है, जो आपके साथ एक फैमिली की तरह रहता है, यानी कि आपको हार्म नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी डाउन होते ही, जिन पेशेंट्स को टॉसलीजुमैब मिली है या जिन पेशेंट्स को और कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को पल्मरी में उनको लॉन्ग टर्म कोई ये कीमोथेरेपी चल रही थी, तो ये सब मिला जुला के आपकी इम्यूनिटी को डाउन होते ये होते हैं। प्लस एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। सर, कुछ ऐसे हमें ये देखा गया है यानी कि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ, यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट, यस, तो इसमें दो तीन डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी आती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है सिवियरली, एक दूसरी कैटेगरी जो हम कोविड में देख रहे हैं,
जिन लोगों को बहुत हाई डोजेज में जिन्होंने स्टेरॉइड्स मिले हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं एडमिशन पे, या जो लोग घरों पे बैठ के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय एनी डॉक्टर, उन पेशेंट्स में ये फंगस जो है वो घातक साबित हो रही है, जिसमें ये नोज और पैरानेजल साइनसेस में ये अफेक्ट करती है। और जैसा डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि ये जो फंगस है ये वहां जाके ब्लड वेसल्स में सीप कर जाती है, नेक्रोसिस करती है, बोन को गला देती है, और साइनसेस से फिर आईज में, आईज से ऊपर ब्रेक करके ब्रेन में चली जाती है, जिसको हम तीन प्रकार से देखते हैं, राइनो यानी कि नाक में, राइनो ऑर्बिटल यानी कि नाक और आई इन्वॉल्वमेंट, और राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल यानी कि ब्रेन में भी, जो ऑलमोस्ट घातक होती है यानी कि काफी जानलेवा होती है। बिल्कुल, इस वक्त और एक चीज मैं आपको और कहूंगा, हम लोग सब, मैं कल भी इंडिया न्यूज पे था, इस पे लेके आधा घंटा ये चर्चा रही। देखिए ऐसा नहीं है कि देश में पहले कभी किसी मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले कि ये खाली स्टेरॉइड की वजह से हो रहा है, ये ऐसा नहीं है स्टेरॉइड की वजह से हो रहा है, स्टेरॉइड एक उसका बहुत अहम हिस्सा है जिससे लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई है। बट कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिन्होंने जिनको बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, या जो वेंटिलेटर पे रहे, या जिनको 14 से 15 लीटर एनआईवी मोड पे, एनआरबीएम मोड पे जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, तो कहीं ना कहीं ये एक संभवता है कि जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि वो आपके नाक पे जा रही है, वो साइनसिस में अंदर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डाउन होने के साथ और ये नेजल फ्लो के साथ ये फंगस ग्रो कर रही है और अंदर स्प्रेड कर रही है। डॉक्टर समीर सूद सर, अगर किसी को फंगस है या फिर उनको थोड़े से सिम्टम्स हैं, तो आंखों का इससे क्या कनेक्शन है, और खासतौर पर रोशनी पर इस पर किस तरह से असर पड़ता है? राइट, सो जैसे डॉक्टर सुमित ने और डॉक्टर लोक ने बताया कि ये नाक के जरिए अंदर जाता है और हमारा ऑर्बिटल फ्लोर है उसको उसके उसको सीप करके ये हमारे आंख के पिछले हिस्से में जाता है, तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये कंजेशन करता है, विच मीन आंख को आपके हल्की सी लाली करेगा, या फिर आपके एक हम बोलते हैं पुपुलरी रिएक्शन, खैर वो पेशेंट को नहीं पता चलता है, वो डॉक्टर ही देखता है, या आपकी बिकॉज ये आंख के पिछले हिस्से में जाता है तो ये आंख की जो मोटिलिटी है वो उसको अफेक्ट करता है, विच मीन्स अगर आपकी एक आपकी दोनों आंखें नॉर्मली एक जैसी चलनी चाहिए, पर अगर कहीं वो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट करता है तो एक आंख तो चलती है दूसरी नहीं चलती है, तो पेशेंट को डबल विजन आती है, या फिर ये पीछे जाके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन करता है, विच मीन्स जो आर्टरी आपके ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके आंख में जा रही है बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस, वो वहां उसको, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो आपकी वेसल्स को ब्रेक करके अंदर जाता है और वहां आर्टरी को क्लूड करता है, विच कॉजेज ब्लाइंडनेस। सो ये बहुत ही घातक बीमारी है, फिर इसके बाद वो सीधा ब्रेन में जाती है जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर आलोक सर, आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या कहती है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर? जो बातें हुई हैं उन्हीं बातों पे यही बातें कह रही हैं कि बेसिकली एक बात जो सारी हुई है उसके साथ ये भी है कि कोविड इटसेल्फ से जो है थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, और शायद ये भी रीजन है कि इस वजह से जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है। पिछले साल जब कोविड नया नया आया था तब भी हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता था, तब स्टेरॉइड्स का इतना वो नहीं आया था यूजेज, तब ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर रहे थे, तो फिर भी कोविड के टाइम में भी म्यूकर तो बढ़ गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा बहुत तो इसलिए ही है कि कोविड इटसेल्फ का जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा इसलिए है कि डायबिटीज साथ में अगर एसोसिएटेड हो या डायबिटीज बिगड़ जाए, और ऑफकोर्स हाइजीन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आईसीएमआर गाइडलाइन भी इन्हीं बातों पर एम्फेसाइज करती हैं कि ये तीनों ही बातें हैं जो कि जिस वजह से ये इतना जबरदस्त इंक्रीज आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं, और थोड़ा सा ये बात है कि भाई कैसे इसको जल्दी आप डिटेक्ट करो जैसे कि टाइम से ट्रीटमेंट हो सके, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि ये बीमारी जो है ये काफी थ्रेटनिंग, काफी खराब हो सकती है, विजन को तो खराब कर ही लेती है और आई को भी और ब्रेन को भी खराब कर सकती है, घातक भी हो सकती है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम से पकड़ में आ जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्ली साइंस है नहीं इसके, बट फिर भी एम्फेसिस इसमें है आईसीएमआर का कि भाई अगर आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, आई के आसपास स्वेलिंग आ रही है, आपके नोज से डिस्चार्ज आ रहा है,
आपके दांत लूज हो रहे हैं, आपके मुंह में कुछ घाव सा बन गया है, स्पेशली अगर पेनलेस घाव है मुंह के ऊपर या डिस्कलरेशन हो गया है, या फिर जो है आपके विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। विजन का प्रॉब्लम थोड़ा लेट ही आता है, पहले बाकी